स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ तथा हानि। तो इसके लिए पहले दो चार फॉर्मूला वगैरह हम आप लोग को बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले लाभ बराबर, तो देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। फिर है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये चार फॉर्मूला है जो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आप लोग को याद करना होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इन दोनों टॉपिक पे। इन यहाँ से भी कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह बनेगा, बस करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहां से फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो ये तीन हम पहले मिटाते हैं, आई होप कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए यहां से अभी हम पहला क्या लिखा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अगर कोई पूछ दे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है, विक्रय मूल्य बराबर ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। और देखिए अगर कोई पूछ दे कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो ये क्रय मूल्य इधर क्या है, माइनस में है ना, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर हो सकता है विक्रय मूल्य, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, विक्रय मूल्य माइनस से लाभ। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक है, एक और फॉर्मूला हम लिखा है हानि बता। चलिए यहीं पर आने देते हैं। हानि बराबर लिखा है हम आप लोग को क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। हानि बराबर यही लिखा है ना, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो अगर कोई पूछ दे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य माइनस हानि, और पूछ दे कोई क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। यानी नॉर्मली तो आपको यही दो याद रखना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये सारे जो बन रहे हैं छोटे छोटे फॉर्मूला वगैरह, वो तो इनके कैलकुलेशन पे आधारित है। अगर जिनको प्लस माइनस आता है वो प्लस में माइनस में जान रहे हो ना, अगर इधर प्लस है बराबर के उधर माइनस, इधर माइनस है बराबर के उधर प्लस, इधर गुना है इधर होगा भाग, और इधर भाग है तो इधर होगा गुना। ये सब तो खैर आप लोग का बेस है, आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे। तो क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन दे दें कि राम 500 में एक रेडियो खरीदता है, खरीदता है तथा वह उसे 610 में बेच देता है, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक लाभ बराबर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ठीक है। यानी पूछ रहा है, बोल रहा है कि राम एक रेडियो
500 रुपए में एक रेडियो खरीदता है तथा उसे 610 रुपए में बेच देता है तो लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब हुआ जो चीज बेचा जाता है, क्रय मूल्य का मतलब जितना पे आप खरीदते हो, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 610 और क्रय मूल्य 500, ठीक है। तो 610 में 500 अगर हम घटा दें तो 110 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ राम को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा हमें, तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग भी फील होगा इस कारण से। ये वाला समझ गए, अगर क्वेश्चन बोल दे कि राम एक रेडियो 700 रुपए में खरीदता है और उसे 550 में बेच देता है तो हानि क्या होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, आप लोग कीजिएगा बुक्स वगैरह में अगर क्वेश्चन रहे तो सारे क्वेश्चन का सलूशन आप लोग को मिल जाएगा। राम अगर 700 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और वह उसे 550 में बेच देता है तो हानि क्या होगा, तो हानि बराबर क्या फॉर्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 700 और विक्रय मूल्य 550, कितना का हानि हुआ 150 रुपए की हानि। आंसर चलिए, दो क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और वहां से सॉल्यूशन आप लोग को ऑलरेडी आई नो की पता है कि हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है, सीता एक किताब 60 रुपये में खरीदती है तथा उसे 75 रुपये में बेच देती है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है ना, समझ गए, कह रहा है सीता एक किताब 60 रुपए में खरीदती है और उसे 75 रुपए में बेच देती है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए, अगर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना रहे तो सबसे पहले उसको ज्ञात कर लेंगे कि पहले उसे लाभ कितना हुआ, प्रतिशत बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यही ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना में बेची वो 75 में और खरीदी थी कितना में 60 में, यानी 15 रुपया का क्या हुआ उसको लाभ। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो कितना का लाभ हुआ 15 गुने 100, अब क्रय मूल्य कितना में खरीदी थी वो 60 में खरीदी थी तो 15 को 4 बार में काटिएगा 60 होगा और इधर 25 चक 100 यानी 25% का लाभ हुआ, ठीक है। रुपया में अगर पूछे तो 15 रुपये का लाभ हुआ, प्रतिशत में पूछे तो 25 का लाभ हुआ, क्लियर है आप लोग। तो इसको हम मिटाते हैं और सेम प्रश्न नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अगर बार बार प्रश्न लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा बोरिंग फील करेंगे, इसलिए अगर हम लिख लेते हैं कि सीता एक किताब 100 रुपये में खरीदी और उसे यहाँ 120 रन देते, ठीक है, 120 रुपये में खरीदी और उसे 90 रुपये में बेच देती है तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होगा, ठीक है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना होगा, हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 120 और विक्रय मूल्य 90, तो उसे क्या हुआ 30 रुपये की हानि हुई और हमको ज्ञात क्या करना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, प्रतिशत हानि बराबर बताया ना हम आप लोग को,
हानि गुने सौ बटे क्रय मूल्य, तो कितना का हानि हुआ, 30 गुने सौ, क्रय मूल्य खरीदी थी कितना में, 120 में, चार बार में 20 बार, सॉरी 25 बार में, यानी 25% की हानि। क्लियर है? चलो, तो ये दो जितने भी प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं वो तो आप लोग का क्लियर हो ही रहा होगा। फिर एक और टॉपिक लेते हैं इसी में नेक्स्ट टाइम। सोहन एक साइकिल, सोहन एक साइकिल 1500 में खरीदता है तथा उसे मरम्मत कराने में 200 रुपया खर्च होता है एवं बाद में उसे 2100 रुपया में बेच देता है, तो उसे साइकिल पर कितना कितना प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हुआ। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है कि सोहन एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है तथा उस साइकिल की मरम्मत कराने में उसे 200 रुपये का खर्च हो जाता है, तो इस बाद में उसे वो 2100 रुपये में बेच देता है, तो बाद में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर से कि इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, खरीदा कितना में, 1500 में। अब प्लस जैसे 200 रुपया उसे बनाने में खर्च किया तो वही तो क्रय मूल्य में जुटेगा ना, यानी उसको टोटल कितना खर्च हुआ, 1700, और विक्रय मूल्य कितना है, 2100। तो 1700 में खरीदा और 2100 में बेचा, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, यानी 2100 माइनस 1700 कितना का लाभ हुआ, 400 का। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, 400 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य हो गया उसका 1700 रुपया। तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 400 बटे 17 को लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, 60 बच गया, 17 तिया 51, 9 बच गया, इतना प्रतिशत का क्या हुआ उसको, लाभ हुआ आंसर। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन आप लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक टेलीविजन 9000 में बेचता है तथा उसे 5% की हानि हो जाती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज, हम आप लोग को जब भी हम क्लास में परसेंटेज का अगर जिक्र करते हैं तो हम आप लोग को ऑलरेडी बताते हैं कि प्रतिशत का मतलब 100%। ठीक है, चाहे वो कोई भी सामान या कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, उसका दाम भले 1 रुपया रहे या 1 करोड़ रहे या 1000 रहे, प्रतिशत में 100% ही होता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति एक टेलीविजन 9000 में बेचता है तथा उसे 5% की हानि हो जाती है, तो प्रतिशत का मतलब 100%, तो बेचता हुआ कितना में 5% की हानि हो जाती है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा उसका, विक्रय मूल्य हो गया होगा 100 माइनस 5, यानी 95%। राइट, और कितना में बेच रहा है, 9000 में, यानी 95% बराबर 9000। तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य प्रतिशत में जब भी होता है तो 100% होता है, तो 1% बराबर 9000 बटे 95, तो प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य का मतलब 100%, यानी 9000 बटे 95 गुणे 100, तो 19 × 95 20 × 100 और 9000 गुणे 20 और बटे 19। सॉल्यूशन तो खैर आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है, ये तो बस कैलकुलेशन है, पर अगर इसी में ये तो आपका हो जाएगा ना, अगर क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे, इसी क्वेश्चन को, ये हो गया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक व्यक्ति एक टेलीविजन 9000 में बेचता है तथा उसे 5% की हानि होती है, यदि यदि उसे 10% का लाभ कमाना हो तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ना आंसर, बेचा कितना में, 9000 में, हानि कितना हो रहा है 5%, यानी 95% बराबर 9000, तो 1% बराबर 9000 बटे 95, तो पूछ क्या रहा है कि अगर उसे 10% का लाभ हो, यानी 100 + 10 यानी कितना, 10% लाभ कमा रहा है ना, यानी 110% बराबर 9000 बटे 95 गुने 110, 19 × 95 22 × 110 और भी काट लीजिएगा आप लोग, यानी हम ही कर दे क्या, चलिए कर देते हैं, (0, 0, 0, 8, 9) = 198/1200, ठीक है, एक बार में जीरो देंगे, 76, 38 देख लेते हैं, ठीक है, 1 हो गया, इतना ये उसका क्या हो गया, 10% पर अगर वो बेचना चाहे, 10 × 42 1 to the power 1/90। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये सारा टॉपिक, और भी अगर इस टाइप का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को पढ़ सकें, और वेट कीजिए अगला टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो है वो आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और